हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के दौर में कहीं पर युद्ध हो रहा है और कहीं पर लोग प्रे कर रहे हैं कि इस युद्ध को किसी तरह रोका जा सके, और कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर पल सब कुछ पाकर भी ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं। जो कुछ उन्हें नहीं मिला उसकी शिकायत, लेकिन जो कुछ उन्हें मिला उसके लिए ईश्वर को थैंक्स नहीं बोलते, लेकिन ईश्वर से शिकायत करना कभी नहीं भूलते। क्यों शिकायत करते हैं हम, और क्या ईश्वर भी इस शिकायत से परेशान है? क्या ईश्वर भी हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं? ईश्वर का संदेश मैं आज आप लोगों को पहुंचा रही हूं अपनी कविता के माध्यम से। जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे मन और मस्तिष्क में जो शब्द उभरे उन्हीं शब्दों को कविता में एक मैंने साक्षात रूप देकर आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी समझा। ज़रूर सुनिए, समझिए, जानिए कि मैंने क्या आप लोगों को समझाना चाहा है, ईश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। सुनिए और समझिए। क्यों शिकायत करते हो तुम, जानो अपने आप को। क्यों शिकायत करते हो तुम, जानो अपने आप को। सुख और दुख का ये खेल, समझो इसके रहस्य को। क्योंकि जो हमारे लिए सुख है वो किसी के लिए दुख है, और जो किसी के लिए दुख है वही हमारे लिए सुख है। इसका रहस्य बहुत ही कठिन है समझना, लेकिन ईश्वर कहते हैं अगर हम समझने की कोशिश करें तो डेफिनेटली उसको ज़रूर समझेंगे। क्यों शिकायत करते हो तुम, जानो अपने आप को। सुख और दुख का ये खेल, समझो इसके रहस्य को। जो तुम्हारे लिए है कम वो किसी के लिए है ज़्यादा। जो तुम्हारे लिए है कम वो किसी के लिए है ज़्यादा। जो तुम्हारे लिए है ज़्यादा वो दूसरों के लिए है कम। नज़रिया अपना अपना है ज़िंदगी को देखने का। नज़रिया अपना अपना है ज़िंदगी को देखने का। कोई एक रोटी पाकर खुश है तो कोई पकवान खाकर भी दुखी है। तुम्हारे पास सांसें हैं और कोई सांसों को तरस रहा। तुमने दुनिया देख ली और कोई दुनिया देखने को तरस रहा। तुम्हारे पास मकान है तो कोई छत को तरस रहा। तुम्हारे पास बिस्लरी वाटर है तो कोई पानी को तरस रहा। पैसों के लिए कोई अंगों को बेच रहा। आज न जाने कितने लोग हैं जो पैसों के लिए अपने अंग, शारीरिक अंग को भी बेच डालते हैं। तो पैसों के लिए कोई अंगों को बेच रहा, पैसों को देकर कोई अंगों को खरीद रहा। किडनी पैसे देकर खरीदते हैं ताकि जान बचाई जा सके। मैंने इसी सेंस में ये पंक्तियाँ लिखी हैं, किसी और सेंस में आप लोग इसे मत लीजिएगा। पैसों के लिए कोई अंगों को बेच रहा, पैसों को देकर कोई अंगों को खरीद रहा। मत भूलो अपने जीवन के उद्देश्य को। मत गले लगाओ झूठे दिखावे को। ना कुछ तुम्हारा था ना कल तुम्हारा कुछ होगा। ना कुछ तुम्हारा था ना कल तुम्हारा कुछ होगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। बस यही थी मेरी अंतिम पंक्तियाँ। इसी से मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए जीवन में भाग दौड़ चाहे जितनी भी हो, दुखी मत हो। क्योंकि कुछ लोग आपसे आगे दौड़ रहे हैं तो कुछ लोग आपसे इसी दौड़ में पीछे भी हैं। आपको कम से कम पूर्ण रूप से आपके पास सारे ऑर्गेन्स हैं जो कि सही तरीके से काम कर रहे हैं। देखने के लिए आँखें हैं, आपको रात की नींद आ रही है, आप चैन की सांसें ले पा रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल सही है और आप अच्छी तरह बात भी कर पा रहे हैं। लेकिन सोचिए उन लोगों को जिनके पास ना आँखें हैं, न जिनके पास बोलने की ताकत है, जो बोल नहीं पाते, गूंगे हैं,
जो बह रहे हैं, जिनके पास टांगे नहीं है चलने के लिए, जिनके पास हाथ नहीं है खाने के लिए, सोचिए उनका जीवन भी जीवन है, वो भी जीवन जी रहे हैं। आप गाड़ी वालों को देखते हैं और सोचते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम कितने दुखी हैं। सोचिए कोई पैदल भी तो चल रहा है, आपके पास एटलीस्ट बस में बैठने के लिए तो पैसे हैं। तो अपने से हमेशा तुलना दूसरों के मत कीजिए। भगवान ने आपको जितना दिया, जो कुछ दिया और आगे भी जो देगा, ये उसका निर्णय है। कुछ ना कुछ सोच कर, समझ कर, सही निर्णय लेकर वो हर चीज़ आपको दे रहा है। और जो कुछ आपके पास है उस पर आप स्वाभिमान कीजिए, यकीनन आप एक असीम खुशी का अनुभव करेंगे, एक असीम सुख का अनुभव करेंगे। सुख और खुशी हमारे मन की भावनाएं हैं जिन्हें हम खुद ही पैदा करते हैं। तो अपने मन पर नियंत्रण रखिए और उस ईश्वर पर भरोसा, ज़रूर उस तक आपकी आवाज़ भी पहुंचेगी। और सही समय आने पर यदि आपकी न्याय संगत मांग हो तो वो मांग भी आपकी ज़रूर पूरी होगी। कैसी लगी मेरी कविता ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।